किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, मुझे बहुत किसान भाइयों की रिक्वेस्ट आई है कि त्यागी जी, जो हस्त बाहर का कार्य था, उनके यहाँ भी फूल आ गए हैं और आपके फूल कैसे आए हैं आप हमें दिखाएं। देखिए, ये पेड़ है मेरा, इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये फूल आ रहे हैं। देखिए कितने फूल हैं, यहाँ भी फूल हैं, और अगर आप देखोगे तो इनमें फूल जो है ना अंदर की तरफ ज़्यादा आते हैं, ये देखिए। और इन फूल में अब आप देखोगे, ये देखिए, ये यहाँ पे नींबू भी बनने लगे हैं और फूल की पत्तियाँ नीचे गिरने लगी हैं। और अब इनमें क्या कार्य करने हैं वो मैं आपको किसान साथियों, ये देखिए, इसमें भी फूल आए हुए हैं और अगर आप अंदर देखो तो बहुत मात्रा में फूल है, चारों तरफ फूल ही फूल हैं और नींबू बनने लगे हैं। अब इनमें आपको ये कार्य का सबसे अच्छा ध्यान रखना है। आप देखिए, ये देखिए, मैंने इसकी कैनोपी के आसपास पूरा खुदाई करवाई है, साफ़ कराया है और फिर ये ड्रिप डाल दी है। तो मैंने इनमें रात करीब 1.5 घंटा पानी चलाया था और आपको नमी बनानी है। आप ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पर तने के पास में सूखा हुआ है, वहाँ सिर्फ नमी पहुँचनी चाहिए और आपको ड्रिप का यूज करना चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ उत्तर भारत में जो एरिया है और मेरी ज़मीन ये बलुई दोमट मिट्टी है, इसमें सप्ताह में एक बार पानी काफ़ी है। जो भाई मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह के हैं, उनको रोज़ अपने पौधे की उम्र के हिसाब से पानी देना चाहिए। कितनी मात्रा में पानी देना है वो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसमें कि राजस्थान हॉर्टिकल्चर विभाग की पत्रिका है और एक CCRI की पत्रिका है, उसमें दिया हुआ है कि प्रति माह या प्रति दिन आपको कितना पानी देना है। आपको पूरी सर्दियों नमी बनाए रखनी है। अब जो मेरा उत्तर भारत है उसमें आपको क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि आप उसमें रोज़ पानी न दें। आपको ये ध्यान रख लें कि क्या मेरे पौधे को आवश्यकता हो। उत्तर भारत और जो मध्य भारत है, जैसे कि आपका ये राजस्थान का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, जहाँ पर थोड़ी रेतीली मिट्टी है, वहाँ पर आपको पानी रोज़ देना है। इसलिए अपने जो हॉर्टिकल्चर विभाग है, बागवानी विभाग है, उनसे पता कर लें कि मेरी ज़मीन में पानी रोज़ आना चाहिए या मुझे हफ्ते में देना चाहिए या मुझे 3 दिन में देना चाहिए। मुझे पता चला है कि राजस्थान मध्य प्रदेश में कुछ जगह पर पानी की गर्मियों में कमी हो जाती है, और अगर आप हस्त बहार में आप पानी की कमी इस टाइम पानी नहीं देंगे तो आपको मार्च अप्रैल में जाकर पानी की कमी पड़ेगी और आपके नींबू समय से पहले ही गिरने लगेंगे। इसलिए पानी की बहुत ध्यान रखनी है। और आप ये देखिए, ये मेरे जो छोटे पौधे हैं, आप देखिए, जो मैंने अगस्त में लगाए थे और इसमें भी मैंने ये ड्रिप डाल रखी है और सिर्फ इसके आसपास में नमी बनाए रखी है। किसान साथियों, कितनी अच्छी नमी बनी हुई है, तने के पास तक नमी है और मुझे बहुत अंदर तक मतलब पानी नहीं चलाना है। ये देखिए कितने फूल आए हुए हैं, ये भी फूल आया हुआ है, अंदर भी फूल हैं इसमें और काफ़ी मात्रा में फूल हैं। और इस समय अगर आप पानी नहीं देंगे और बहुत खुश्की लग गई तो आपके फल भी गिर सकते हैं। तो पहली सावधानी आपको यह रखनी है कि इनमें ड्रिप से पानी देना है, और जिन भाइयों के पास ड्रिप नहीं है वो नाली से पानी देते हुए इस बात का ध्यान रखें कि पानी तने को न छुए और बहुत जल्दी ही पानी उतर जाए। लेकिन जितनी भी नींबू की बागवानी करने वाले किसान हैं, मैं ये अनुरोध करता हूं और इस बात की सिफारिश करता हूं कि आप ड्रिप अवश्य लगाएं। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि अपने पौधे की पत्तियों का निरीक्षण करते रहें कि इनमें कोई रोग तो नहीं है। अगर इनमें कोई रोग है तो उसकी उचित दवा का इंतजाम करें, जो कि हम समय समय पर आप लोगों को बताते रहते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको इनमें माइक्रो न्यूट्रेंट की बहुत आवश्यकता होती है। अगर पानी की कमी होगी और माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी होगी तो आपके जैसे ही फल बनते हैं वो फल सूखने भी लगेंगे और वो फल गिरने भी। साथियों, ये मेरी हस्त बहार का जो कार्यक्रम था, ये मैंने दिखाया है कि फल भी बनने लगे हैं
और अभी फूल आते रहेंगे, अभी कम से कम भी नवंबर के महीने में और दिसंबर में भी फूल आते रहेंगे और फल भी बनते रहेंगे। ये तो हुआ मेरा हस्तबहार अगर समय से तैयारी हुई। किसान साथियों, मुझे पता चला है कि देश के कुछ भागों में जैसे मध्य प्रदेश में ऐसे में बारिश हुई है और सितंबर में वो लोग उसको नींबू को ताव नहीं दे सके। सितंबर में पूरे में बारिश होती रही और उन्होंने अक्टूबर के मध्य से ताव देना शुरू किया है और उस ताव के बाद अब वो ताव ख़त्म होगा अगले 5-7 दिन में। आप उसे ताव दीजिए और जो समय बर्बाद हुआ है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। किसान साथियों, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता और 3-4 दिन के बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा कि जिन भाइयों की सितंबर में ताव नहीं दे सके, जिन्होंने अक्टूबर में ताव दिया है, वो उसमें किस प्रकार खाद पानी की व्यवस्था करेंगे और ऐसी क्या व्यवस्था करेंगे कि उनके यहाँ भी फूल आए। आप विश्वास रखिए, आप जैसे मैंने बताया है उनको ताव दीजिए, खुदाई करिए गहरी और उसके बाद आप थाला बनाकर तैयार कर लीजिए, गोबर की खाद का इंतजाम करिए और जो खाद मैंने पहली वीडियो में बताई थी हस्तबार के लिए उतनी खाद का भी इंतजाम करिए। 5 वर्ष के पौधे की मैंने खाद बताई थी और जो 5 वर्ष से छोटे पौधे हैं उनके लिए उससे अधिक खाद की मात्रा पड़ेगी। बाकी काम क्या कर रहे हैं ये हम बताएंगे आपको अगली। साथियों, ये था मेरा जो हमारी रेगुलर यानी सितंबर माह में ताव देते हैं उनमें हस्तबहार के कार्य करने से किस प्रकार फूल आए हैं और किस प्रकार फल आए हैं। और दूसरा मैंने बताया है कि जिन भाइयों को देर हो गई वो अपना ताव दे लें और अपनी खाद की तैयारी पूरी कर लें और वेट करें कि 4-5 दिन के बाद जो वीडियो आएगी उसके अनुसार उनमें वे कार्य करिएगा जो हम बताएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके यहाँ भी हस्तबहार के नींबू आएंगे। किसान साथियों, ये थी मेरी हस्तबहार की अंतिम वीडियो। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो ऐसे में हस्तबहार है जिन क्षेत्रों में सितंबर में बारिश हुई है उनमें किस प्रकार तैयारी करें, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कर लिए। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।